आईफोन में फ़ोटो का साइज कम कैसे करें। जी दोस्तों, अगर आपने जो है कोई सा फ़ोटो क्लिक करके रखा है और उसका जो साइज है वो आपको कम करना है। देखिए दोस्तों, कभी कभी आप कुछ भी काम करते हो और कहीं पे आपको जो है फ़ोटो को अपलोड करना होता है, तो वहाँ पे बोला जाता है कि आप जो है कम से कम 2 MB से कम वाला जो फ़ोटो है उसी को अपलोड करो, तब वो अपलोड होगा, या 1 MB से कम वाले फ़ोटो को ही हम अपलोड लेंगे, ऐसा वहाँ पे बोला जाता है, ठीक है ना। तो इस तरीके का प्रॉब्लम आता है, तो इस वजह से आप जो है जो भी आपने फ़ोटो क्लिक करके रखा है या यूँ कहें तो आपके आईफोन के गैलरी पे जो भी आपका फ़ोटो है उसको आप जो है साइज है उसका उसको कम करना चाहते हो तो कैसे करेंगे वो मैं आपको बताऊँगा। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो एक फ़ोटो है मान लो, और इसको मेरे को कहीं पर यूज़ करना है, और यूज़ करने के टाइम यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये जो इसका जो फ़ोटो का साइज है यानी कि कितने MB का बना हुआ है वो चेक अगर हम करते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों ये जो है लगभग 3 MB का बना है। यहाँ पे नीचे में लिखा रहता है दोस्तों कितने MB का ये फ़ोटो है, तो 3 MB का फ़ोटो होने की वजह से मेरा यहाँ पे काम नहीं बन रहा है। मेरे को इस फ़ोटो को कम से कम 1 MB का बनाना है, ठीक है ना, तब जाके यहाँ पे ये काम करेगा मेरा ये फ़ोटो। तो दोस्तों ये जो फ़ोटो है मैं जैसा कि बताया यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्लिक करके हम इस पर क्लिक करेंगे तो 3 MB का है, तो इसको हम कम करके यहाँ पर इसका जो साइज़ है उसको रिसाइज करेंगे और जिससे यहाँ पर ये फ़ोटो का जो साइज़ है वो कम हो जाएगा, यानी कि कम MB का ये बन जाएगा। चलिए दोस्तों करते हैं, इसका प्रोसेस कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। तो उसके लिए आपको जो है अपने आईफोन में कोई सा भी एक ब्राउज़र ओपन कर लेना है। मैं यहाँ पे अपने आईफोन में क्रोम ब्राउज़र इस्तेमाल कर रहा हूँ दोस्तों, आप कोई सा ब्राउज़र इस्तेमाल कर सकते हो अपने आईफोन पे। आप यहाँ पे जैसे आप कोई सा ब्राउज़र ओपन करोगे यहाँ पे आपको सर्च करने के लिए मिलेगा, तब यहाँ पे आप लिख दीजिएगा फ़ोटो रीसाइज, इस तरीके से आप लिख दीजिएगा फ़ोटो रिसाइज़र या फ़ोटो रिसाइज, ठीक है। उसके बाद जो है दोस्तों आपको काफ़ी तरीके का यहाँ पे वेबसाइट मिलेगा जिसमें आप जो है जाके अपना जो फ़ोटो रहेगा उसको अपलोड कर दोगे, उसके बाद आप जो है कितना MB का या फिर कितना उसका जो है क्वालिटी रहेगा वो सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद आप जो है उसको जो है जनरेट करिए फ़ोटो को और उसके बाद अपलोड करके अपने आईफोन पर ले सकते हो, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम बताते हैं। देखिए जैसे कि मैं आपको बताया कि बहुत सारे वेबसाइट मिलेगा, तो आपको इनमें से किसी भी वेबसाइट पर चले जाना है। फिलहाल जो दोस्तों मई वाला जो वेबसाइट है इस पर चले जाता हूँ, तो ये आप देख सकते हो इस तरीके से मैंने एक वेबसाइट को ओपन कर दिया, इसका नाम है दोस्तों रिड्यूस इमेज, ठीक है, और इसका वेबसाइट का भी नाम है reduceimage.com करके है। तो इस तरीके से ये वेबसाइट है दोस्तों, आपको काफ़ी तरीके का वेबसाइट मिलेगा जैसा कि मैंने आपको बताया। आपको इस तरीके से ऑप्शन मिलेगा, तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट इमेज करके जो फ़ोटो को आपको जो है यहाँ पे रिसाइज करना है यानी कि फ़ोटो का साइज जो है कम करना है उसी फ़ोटो को यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कौन सा फ़ोटो था, तो दोस्तों ये वाला फ़ोटो था। अब यहाँ पर ये वाला जो फ़ोटो था इसको हम जो है यहाँ पर डन करेंगे। दोस्तों डन करने से पहले देखिए यहाँ पर एक्चुअल साइज़ मिल रहा है, इस तरीके से स्मॉल साइज़ भी मिल रहा है, तो आपको यहाँ पर एक्चुअल साइज़ है उसी को सेलेक्ट कर देना है और यहाँ पे डन कर देना है। तो दोस्तों शायद ये इस तरीके से ये हो गया। अब यहाँ पे इसका जो रियल साइज़ है वो बताया जा रहा है दोस्तों, जो कि है 3.46 MB या फिर यूँ कहे तो 3.45 MB है, ठीक है। तो यहाँ पे बता दिया है, अब इसको आप हम जो है रिसाइज करेंगे और हमको जो है 1 MB तक की फ़ोटो चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका जो क्वालिटी है उसको यहाँ पर हम जो है जो 90 लिखा है उसको हम 50 कर देंगे और देखेंगे 50 क्वालिटी करने के बाद कितना MB का ये हमारा रिसाइज होने के बाद आता है। तो यहाँ पे हम रिसाइज इमेज पे क्लिक करते हैं, तो देखिए दोस्तों ये जो है अगर हम 50 जो क्वालिटी है वो किए हैं तो ये जो फ़ोटो है वो हमारा जो है 821 KBS पे आया हुआ है, ठीक है ना। तो मेरे को 1 MB तक चल जाएगा, तो मैं यहाँ पे अगर मेरे को बढ़ाना है तो यहाँ पे मैं बढ़ा देता हूँ 60, ठीक है, 60 कर देता हूँ और दोबारा से रिसाइज इमेज कर देता हूँ। अब देखते हैं, तो देखिए दोस्तों अब जो फ़ोटो तैयार हुआ है वो जो है 1.05 MB का है, तो 1 MB से 0.5 ज़्यादा बड़ा है थोड़ा सा, ठीक है ना। तो चल जाएगा दोस्तों ये मेरे को, तो यहाँ पे मैं डाउनलोड इमेज पे क्लिक करूँगा, ये देखिए, और जैसे हम इस पे डाउनलोड इमेज पे क्लिक करेंगे यहाँ पे बताया जाएगा इसका साइज़ वगैरह यहाँ पे नीचे में, तो यहाँ पे 1.1 MB बता रहा है, सेम चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर हमने इसको कर लिया लोड, इस पर कर लेंगे ओपन विथ पे करेंगे क्लिक यहाँ पर, और यहाँ पर हम कर देंगे सेव टू गैलरी, ठीक है ना। तो सेव टू गैलरी करेंगे तो यहाँ पे देख लेते हैं सेव टू गैलरी, ओके, तो यहाँ पे नहीं दिखाया जा रहा है। हम ओपन विन डाउनलोड पे क्लिक करेंगे
और यहाँ पे ये जो फ़ोटो है इसको क्लिक करेंगे और इसको हम जो है यहाँ पे शेयर करेंगे, सेव इमेज करेंगे। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया ये जो फ़ोटो है उसका जो साइज़ है वो कम हो चुका है। अगर हम बात करें यहाँ पे जो हमने अभी सेव किया है तो इसका जो साइज़ है वो जो है दोस्तों 1.1 MB का है ये फ़ोटो, ठीक है ना। और यहाँ पर अगर हम बात करें पहले वाला फ़ोटो जो कि ये वाला है, दोस्तों मैंने जो है आपको बताया था ना कि ये 3 MB का है, मैंने दूसरा फ़ोटो यहाँ कर लिया है, इसी वजह से वहाँ पे जो है ज़्यादा MB बता रहा था मेरे को 3.5 करके, ठीक है ना। तो ये वाला जो फ़ोटो है अगर हम बात करें, ये वाला ये 2 थाली है यहाँ पे, तो यहाँ पे इसका जो कन्वर्ट करके हमने रिसाइज करके 1.1 MB किया है, तो इसका जो पहले का फ़ोटो है वो ये वाला है, हाँ ये वाला है। तो इसका जो पहले का साइज है, अरे यार कौन सा फ़ोटो है, सेम खींच के रखा हूँ दोस्तों, तो यहाँ पे गड़बड़ हो जाता है, ठीक है ना। चलिए बाकी इस तरीके से आप जो है इसका जो साइज़ रहेगा उसको रीसाइज कर सकते हो और इसका जो क्वालिटी है उसको कम कर सकते हो इस तरीके से। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।